अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ डायरी विद रुपया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार जूसी से चपटी कबाब। सबसे पहले तो हमने बीफ मिंस लिया था विद फैट्स, और यहाँ पर मैंने गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली चॉप करके उसके अंदर तकरीबन 1 स्पून जो है वो ऐड की थी। यहाँ पे 1 अनियन जो मीडियम साइज़ है उसको बारीक चॉप करके उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो वाटर है स्क्वीज़ कर लिया था, और ये स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सम ब्लैक पेपर, गर्म मसाला, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, सम चिली फ्लेक्स एंड सम अनियन पाउडर। तो ये सब स्पाइसेस मैंने जो है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है उसके हिसाब से जो है वो ऐड कर लिए थे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा डिफरेंट स्पाइसेस भी ऐड करी थी। 1 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है मैंने तंदूरी मसाला इसके अंदर ऐड किया था, और ऑलमोस्ट 2 स्पून जो है मैंने सीख कबाब मसाला के ऐड किए थे। तो सीख कबाब से की मसाला यहाँ पर मैंने कुछ धनिया जो है चॉप कर दिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, और जो ऑलिव ऑयल है वो 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ऐड किया था, और उसको अच्छे से जो है मसाले को जो मिक्स कर लिया था ताकि स्पाइसेस जो है वो अच्छे से जो है वो रच जाए। यहाँ पर सीख कबाब मसाला 2 टेबलस्पून ऐड करी थी। इससे क्या होगा, आपके कबाब जो है वो बिखरेंगे नहीं, इंशाल्लाह यकजान रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जो है वो सुहागा जैसे इन्ग्रीडियंट्स जो है वो ऐड होते हैं, तो उससे आपके जो है वो सीख कबाब एक मज़े का फ्लेवर भी देंगे और इंशाल्लाह जो है वो टूटेंगे भी नहीं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और मसाले को मैरिनेट होने के लिए रख दिया अनटिल डिनर। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है ये मैरिनेट हुआ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया था, ऑब्वियसली इट विल गिव अ डिफरेंट फ्लेवर एंड वेरी यम्मी एंड जो है वो जूसी टच इंशाल्लाह। मोहम्मद अबान जो है वो प्ले कर रहा था अपनी कार के साथ, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एक्चुअली ही थिंक्स दैट ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट, बट इवेंचुअली ही प्रेसेस अ बटन फ्रॉम द रिमोट एंड देयर इज़ कनेक्टिविटी फ्रॉम द कार। तो वो सोच रहा था कि जी उसको सब कुछ जो है वो करना आ गया है, और वो बहुत खुश हो रहा था। उसके एक्सप्रेशन जो है बड़े मज़े के थे, जैसे वो जो है वो सीख गया है कार को राइड करना, बट होपफुली इंशाल्लाह सीख जाएगा। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी। Yes. Where are your books? 2 pages. Yes. Where are your books? This is for the blue whiteboard. Yes. This is for. Then collect pencil and take it out. Wow, collect pencil and chair and table. Yes. Wow. Take your books out and start coloring. Mama will look with you. Start with help. डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, साथ साथ अपने चपली कबाब जो थे वो भी फ्राई कर रही थी, और मैंने अपने हाथों को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि अच्छे से जो है वो शेप आ जाए कबाब्स की। इसको एक्चुअली चपली इसलिए बोलते हैं कि ये फ्लैट होते हैं, अपने हाथ के हेल्प से आप इसको इस तरह फ्लैट कर लें तो वो एक चप्पल टाइप जो है उसकी जो है वो लॉन्ग इलास्टिक जो है वो शेप उसकी अब दे, तो इस वजह से इसको चपली कबाब बोलते हैं। तो मज़े के बनते हैं और अच्छी एक डिफरेंट रूटीन से हटकर जो है फ्लेवर आ जाता है। तो मेरे पास एक्चुअली कल का लेफ्ट ओवर सालन भी था, मैंने जो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो इस तरह की चीज़ों के साथ इंसान प्रेफर करता है कि कुछ कबाब वगैरह हो जाएँ तो आपका जो है वो एक डिनर मेन्यू अच्छा सा बन जाता है। तो मैंने अपने पैन को भी ग्रीस कर लिया था, और थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा था, तब तक मैं अपने आटे की जो है वो पेड़े बना रही थी रोटियों के लिए। सालन जो है वो भी मैंने थोड़ा सा जो है बाउल में जो है वो गर्म कर लिया था, और अपने जो कबाब हैं उनको भी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ जो है वो रोटी भी बन रही थी माशाल्लाह। एक साइड से अच्छे से हो गए तो उनको टर्न कर लिया। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है, तो जितना आप उनको जो है फ्राई करेंगी उसके अंदर से वाटर जो है वो ड्राई होता जाएगा, तो आपके जो वो ड्राई ड्राई से कबाब बनेंगे। आपको मॉइस्चर जो है उनके अंदर अगर बरकरार रखना चाह रहे हैं तो उसको
थोड़ा सा हल्की आंच पे पहले फ्राई करें ताकि वो अच्छे से गल जाए, और जब आपको लगे कि वो गल गए हैं तो आंच जो है वो तेज़ करके उसको बोथ साइड्स पे जो है वो ग्रिल कर लें। माशाल्लाह कबाब रेडी थे, थोड़ा सा रायता रेडी किया था साथ में। थैंक यू सो मच, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।